नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 24 नवंबर की सुबह 10 बजे से जी दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से बड़े महत्वपूर्ण और अनचाहे बदलाव होने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि यह समय बुधवार का दिन होगा, यानी भगवान श्री गणेश जी का दिन होगा और यह समय इनके आशीर्वाद से आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अंतराल में आपके जीवन काल में भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे बड़े बदलाव होंगे जिनके कारण आपके भाग्य रेखा में अचानक से बड़े उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों और इनके कारण आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य में गति आने वाली है। बहुत सारे ऐसे कार्य जिनमें आपको सफलता की प्राप्ति कई वर्षों से नहीं हो रही थी, या फिर यूं कहें जिन कार्यों में आपके बहुत ज्यादा समय लगे थे और वह कार्य अभी तक नहीं बने हैं। जी दोस्तों यश में उन कार्यों में भी गति आने वाली है और वे सभी कार्य सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। आपका जीवन पूर्णतः भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से बहुत ही लाभप्रद रहने वाले हैं। जी दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दें कि समय और ग्रहों की चाल भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से बहुत ही शुभ रहने वाली है। बशर्ते दोस्तों अब आपकी जरूरत होती है किनका सदुपयोग करें। जी दोस्तों तो दोस्तों इस समय आप वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे कि यश में अंतराल में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में और पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री गणेश जी लिखेगा, गुरु जी कर भगवान श्री गणेश जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में अधिकतर कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न होते जाएंगे। आप पिछली गलतियों से सीखकर अपने कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास भी करेंगे, जो कि बेहतरीन साबित होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात खुशी और ताजगी प्रदान करने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। कोई भी काम समय पर पूरा न होने की वजह से आपको थोड़ी सी मायूसी भी हो सकती है। किसी अन्य की सलाह पर यश में ध्यान न देकर अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही आप कार्य करें, दोस्तों ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पेशे से संबंधित नियोजन बनाने के लिए आप अधिक प्रयत्न बढ़ाएंगे। अटके हुए पेशे को वापस प्राप्त करना आपके लिए इसमें संभव हो सकता है। फिलहाल दोस्तों भविष्य के बारे में सोचना आपके लिए तकलीफ का कारण हो रहा है, इसलिए वर्तमान परिस्थिति पर अधिक ध्यान देकर उस पर ही काम करने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी धार्मिक प्रवृत्ति की व्यक्ति से मुलाकात आपको विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन भी लाएंगे तथा आप जीवन को बेहतर नजरिए से देखने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू अथवा करियर संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। आपको बता दें कि दोस्तों के साथ फिजूल घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें और यह समय को आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। जी हाँ दोस्तों इनसे आप अपने जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उन्हें आप निपटा भी पाएंगे। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को इसमें आप संभाल कर रखें, अन्यथा कोई इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीजों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी भी लेन देन या फिर पैसे से संबंधित व्यवहार करते समय आप जो है सावधान रहें या फिर इनसे आप परहेज रखें। दोस्तों यदि काम बैंक लोन से संबंधित हो तो दोस्तों उसके लिए उच्च अधिकारियों के साथ बात करके ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। दोस्तों अगले कुछ महीनों के लिए आपको अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पैसे से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ भी आपको हो सकती है
उनको टाला भी जा सकता है, लेकिन आपको इसमें प्रयास करने की आवश्यकता होगी। और इसको प्रारंभ दोस्तों यीशु में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, दोस्तों यीशु में वे काम बहुत ही सजग और आसान तरीके से हल हो जाएंगे। दोस्तों वस्त्र आभूषण जैसी खरीदारी में आपका सुखमय समय व्यतीत होगा। आपको बता दें कि घर में रिश्तेदारों की भी आवाजाही रहेगी। इसको प्रारंभ दोस्तों यह समय बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। डांट फटकार करने से उनके अंदर जो है हीनता की भावना उपज सकती है, तो दोस्तों यह समय इन पर परहेज करें, इनसे सावधान रहें। कल्पनाओं में न जीकर यथार्थ में ही आप विश्वास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको प्रारंभ दोस्तों यह समय आप अधिक समय घर पर व्यतीत नहीं कर पाएंगे। इसको प्रारंभ दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको इसमें हो सकती है। करियर संबंधी जो भी आप निर्णय लिए हैं उनमें आप सफल भी इसमें होंगे। परिवार के लोगों को जिस तरह की जीवन शैली आप प्रदान करना चाहते हैं, दोस्तों उस तरह के अपने जीवन में बदलाव लाना आपके लिए संभव होगा। इसको प्रारंभ दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि किसी शुभ समाचार के मिलने से घर परिवार में भी खुशनुमा भरा वातावरण रहेगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी कोई भी कार्य बन सकती है या फिर योजना बन सकती है। दोस्तों आपकी मेहनत व फिर परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपका संपन्न हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों के सुझाव पर भी गंभीरता से विचार करना इसमें आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों अचानक से ही कुछ खर्चे भी आपके सामने आएंगे, इसलिए फिजूल खर्चों पर अंकुश लगा कर रखें। दोस्तों ये आपके लिए इसमें अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग परिवार से दूर रहते हैं वह लोग अपने परिवार को मिलने की योजना भी बना सकते हैं, या फिर परिवार से किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात भी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता यश में आपको सताएगी। किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव का असर आपके कार्य पर यश में पड़ सकता है, तो दोस्तों इन सभी चीजों पर ध्यान दें। इसको प्रारंभ दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यह समय व्यवसाय के विस्तार संबंधी कोई भी योजना स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो समय होंगे परिस्थितियां उतना अनुकूल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों से बॉस तथा अधिकारी वर्ग भी प्रसन्न रहेंगे, प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। इसको प्रारंभ दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी प्रॉपर्टी संबंधी डील फाइनल करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों पेपर से संबंधित कार्रवाई ध्यानपूर्वक ही करें, अन्यथा दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। अन्य व्यवसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से इसमें चलती रहे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी प्रकार की गलती की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में दूसरों के हस्तक्षेप से कर्मचारियों के बीच जो है फूट पैदा हो सकती है, इसलिए दोस्तों अपने निर्णयों को प्राथमिकता दें तथा व्यवसाय की गतिविधियों पर भी आपको अपनी पैनी नजर रखनी चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति भी ऑफिस में जो है पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं, तो दोस्तों यश में आप ऑफिस में अपने जो विरोधी वर्ग है उनसे सावधान रहने की कोशिश करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। विवादर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा इसका असर आपके घर परिवार पर पड़ सकता है और वह भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घर पर अस्त व्यस्त भी रह सकता है, उनके तथा घर के कार्यों में सहयोग देना आवश्यक होगा। प्रेमी प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध भी यश में मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार भी उत्पन्न हो सकती है। ध्यान रखें कि घर की व्यवस्था पर इनका प्रभाव ना पड़े। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान रखना यश में आपके लिए जरूरी साबित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें, अर्थात आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों यश में सिर दर्द और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करेगी। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव करना यश में आपके लिए जरूरी साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि अपने काम की वजह से
नसों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्या रह सकती है। समय समय पर आराम भी आपको लेना चाहिए और आपको व्यायाम भी अश्वमेय करना चाहिए। दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए अश्वमेय बहुत ही बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये अश्वमेय आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी अश्वमेय रखेगी। तो दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि यदि गृह लक्ष्मी प्रतिदिन एक लोटा जल प्रातः घर के मुख्य द्वार पर डाले तो उस घर में धन का बहुत ही सुगमता से होता है। साथ ही दोस्तों माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान के पश्चात यदि मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक और इत्र लगाकर ही घर से अपने व्यवसाय पर जाएं तो दोस्तों धन की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों यह समय आप इन उपायों को जरूर अपने जीवन में प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भाग्यशाली रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि दोस्तों अधिक जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।